भीषण गर्मी के मौसम में पुनाना उपमंडल में पीने के पानी की समस्या को देखते हुए वार्ड नंबर 17 पुनाना के भाजपा के जिला पार्षद फखरुद्दीन एडवोकेट अपने लोगों की समस्या को लिए धरने पर बैठ गए हैं। लाइव तस्वीरों में आप सीधा देख सकते हैं फखरुद्दीन एडवोकेट द्वारा मिनी सचिवालय पुनाना के सामने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया तथा सांकेतिक धरना प्रदर्शन में जिला प्रशासन व पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को चेतावनी दे डाली कि उनके दर्जनों गांव में ही नहीं बल्कि समस्त पुनाना उपमंडल में पीने के पानी का संकट गहराया हुआ है। इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है जहां गर्मी के कारण पीने का पानी लोगों को नहीं मिल रहा। फखरुद्दीन एडवोकेट ने पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारी अधिकारी कई महीनों से टाल मटोल कर रहे हैं, पीने के पानी की समस्या व संकट गहराया हुआ है। उनकी वार्ड की जनता के साथ साथ पुनाना की जनता पीने के पानी के लिए तरस रही है। ऐसे में हरियाणा सरकार द्वारा 263 रुपये करोड़ की योजना पेयजल योजना दी गई थी, लेकिन इन कर्मचारी अधिकारियों की वजह से वो भी सफेद हाथी बनकर साबित हो रही है। गाँव के लोगों को पीने का पानी नहीं मिलने के कारण गांव के लोगों में काफी रोष है। उन्होंने कहा कि गांव के लोग अपने जन प्रतिनिधि से पीने के पानी की जब मांग करते हैं ऐसे में उन्हें निराशा हाथ लगती है। पुनाना वार्ड नंबर 17 के जिला पार्षद फखरुद्दीन एडवोकेट द्वारा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को अल्टीमेटम दे डाला है कि अगर उन्होंने लोगों के पीने के पानी की समस्या का जल्द समाधान नहीं किया तो इस रूप में बड़ा आंदोलन होगा। लोग हरियाणा सरकार के साथ साथ अन्य अधिकारियों से मांग करते हैं कि पीने के पानी का जल्द समाधान होना चाहिए ताकि भीषण गर्मी से पीने का पानी जल्द लोगों को मुहैया हो सके। देखिए रिपोर्ट। पब्लिक हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है वो निखालस मुर्दा बाग की तरह है। ये अंधे हुए पड़े हैं, बहरे हुए पड़े हैं, और जो ये लोग जो चाहे एक्शन हो, चाहे एससी हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे जेई हो, और जो नीचे के कर्मचारी जो लाइन मैन होते हैं ये बड़ा दगा कर रहे हैं लोगों के साथ। अगर कोई लाइन भी जा रही है तो उसको पैसे लेके अवैध कनेक्शन कर रखे हैं लोगों ने, और जिन लोगों का अवैध कनेक्शन करके उन लोगों से पैसे वसूलते हैं, इसलिए उनको ये काटते नहीं उन कनेक्शनों को। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अगर जल नहीं रहेगा तो लोगों को क्या पियेंगे, क्या खाएंगे यार ये लोग। बहुत बड़ी आपत्ति आई पड़ी है, बहुत बड़ी मुसीबत है पानी की। गरीब आदमियों के टैंकरों से पानी भरते हैं, खारी पानी पीने को लोग मजबूर हैं। हमने इतने लोगों से यार वादा किया लोगों को पानी देने के लिए, ये लोग एक बार भी नहीं सुन रहे कर्मचारी। अगर हमें आंदोलन चालू करना पड़ेगा यहाँ, जब तक ये लोग मेरे साथ नहीं आएंगे और आंदोलन नहीं करेंगे ये लोग सुधरेंगे नहीं। है अपील करेंगे कि वो आपके साथ आए और इन अपनी ताकत दिखाएं। मैं वार्ड की जनता से उम्मीद करता हूँ कि वो लोग मेरे साथ आएंगे, वो मेरे साथ हैं। और अभी तो मैं लोगों के लिए एक बताना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ, और डिपार्टमेंट के पब्लिक हेल्थ का उनको एक संदेश देना चाहते हैं आज की मार्फत, आज के माध्यम से, आज की घटना के माध्यम से, जो मैं कपड़े उतार के बैठा हूँ, कि आप लोगों ने यदि शुद्ध नहीं ली समय पे तो बहुत बड़ा आपको कमेज उठाना पड़ेगा। ये मेरी और मेरी जनता की पूरे हल्का की बहुत बड़ी परेशानी है। पानी ये करोड़ों रुपये अरबों रुपये इन लोगों ने खराब कर दिए महकमे ने जनता के लिए, उस पैसे को डकार गए हैं जी। पानी बिल्कुल किसी व्यक्ति को नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी गांव में कोई टैंकर नहीं पहुंचा रहे हैं। एक दो टैंकर पहुंचाते हैं तो उनको एक दो के बजाय पांच पांच दस टैंकर लिख देते हैं। आज मैंने सुबह जब टैंकर वाले से बात करी उसने कहा कि मेरे से समुंदर जेई ने मना कर दिया है पानी भेजने से। मैंने फिर एसडीओ साहब को फ़ोन किया, 4-10 बार उसको फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। एक बार फ़ोन उठाया तो उसने जो है विश्वास दिलाया कि मैं आपको पानी पहुंचाऊंगा, लेकिन मैंने टैंकर वाले से बात करी उसने कहा कि मेरे से किसी महकमे वाले ने कोई संपर्क नहीं साधा। मैंने एससी से बात करी, एससी को एससी ने विश्वास तो दे दिया लेकिन टैंकर वालों से अभी तक कोई बात नहीं करी। गांव में पानी के लिए मेरे पास बार बार फ़ोन आ रहे हैं तो मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है भाई साहब। मैं कपड़े उतार के यहाँ लोगों के सुविधा के लिए, लोगों की लड़ाई के लिए, लोगों की प्यास के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ पानी के लिए जी। मैं इसलिए यहाँ सचिवालय में बैठा हूँ। यदि इन लोगों ने, इन कर्मचारियों ने शुद्ध नहीं ली तो ये बहुत बड़ा आंदोलन चालू करेंगे हम। इतनी बड़ी भीषण गर्मी में भी ये लोग हमारी नहीं शुद्ध ले रहे हैं,
पार्षद साहब, क्या किसी भी SDM के कार्यालय से किसी अधिकारी ने आपसे संपर्क करने की या बात करने की कोशिश की? नहीं, अभी SDM साहब के सामने, अभी SDM साहब मौके पे आ जाएंगे, उनसे हम बात कर लेंगे। उनकी कोई गलती नहीं है। SDM साहब ने, SDM साहब के कर्मचारियों ने तो इनको कई बार कहा है। SDM साहब के जो रीडर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, SDM साहब बहुत अच्छे हैं, इनकी कोई कमी नहीं, तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की कमी है। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम तौशिफ खान है, गांव बीसरू है, और यहां पर हमारे वार्ड के जो जिला पार्षद जी हैं सांकेतिक धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, क्योंकि बीसरू के अलावा जो आसपास के गांव हैं जैसे गुबराड़ी, फड़दड़ी, सिरौली, रहीड़ा है ना, नाहरपुर, नई बिछोर, नवलगढ़, मैं एक तरह से कहूँ तो पूरे उपमंडल क्षेत्र में पानी की इस भीषण गर्मी में बहुत बड़ी समस्याएँ बनी हुई हैं। लोगों में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। जो रेनवेल जो परियोजना है इसका पानी कभी कभार ही गाँव में पहुंच पा रहा है, समय पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो इस भीषण गर्मी में भी लोग पानी खरीद कर पीने को मजबूर हैं, और ज़्यादातर जो गाँवों का भूमिगत पानी है वो खारा हो चुका है, जो पीने योग्य नहीं है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से वैसे जन स्वास्थ्य विभाग से अपील है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जो पुनहाना उपमंडल के गाँव में जो पानी के लिए समस्या बनी हुई है इसके लिए पूरी तरह मुस्तैदी से काम करें और गाँवों में पानी पहुंचाएं, ताकि इस भीषण गर्मी में लोगों को पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़े और राहत मिल सके।